भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने झामुमो पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर आज रात को ही अगर घोषणा चुनाव का कर दे तो ग्रामीण जनता रात को ही अपना वोट का नंबर लगाकर झारखंड से इस सरकार को फेंक देने का काम करेगी, क्योंकि यहां की जनता 5 वर्षों में इस सरकार के कार्यकाल से ऊब चुकी है। जिन लोगों को जानकारी है कि पिछले 5 साल से झारखंड में एक भ्रष्ट सरकार, निकम्मा सरकार, वादों से मुकर जाने वाली सरकार, जनता को धोखा देने वाली सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार, बालू को दूसरे प्रदेशों में बेचने वाली सरकार, प्रखंड में भ्रष्टाचार का चरम सीमा लांघ जाने वाली सरकार कायम है। झारखंड के जनता में आक्रोश है, झारखंड के जनता परिवर्तन चाहती है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है और परिवर्तन यात्रा अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न कोनों से निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ पलामू प्रमंडल में बाबा बंसीधर की नगर उटारी से प्रारंभ हो रही है, जिसमें देश के यशस्वी रक्षा मंत्री ऐसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का शुभ आगमन होने वाला है। उनके द्वारा परिवर्तन यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखा करके बाबा बंसीधर के पूजन अर्चन करके यह सरकार से झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को मुक्ति मिले। झारखंड जिस उद्देश्य से बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, समृद्ध झारखंड बनाने के लिए, शक्तिशाली झारखंड बनाने के लिए, झारखंड के लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और यहाँ के लोगों को सशक्त करने के लिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सत्ता परिवर्तन हो, इसके लिए परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ नंगर रुटारी से किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वा के बंशीधर नगर आएंगे और बाबा बंशीधर के पूजा दर्शन के बाद बंशीधर नगर में सभा को संबोधित करते हुए यहां से परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करेंगे, जो पलामू प्रमंडल के सभी 9 विधानसभा क्षेत्र में होते हुए परिवर्तन यात्रा की समाप्ति मेदिनीनगर में होगी। वहीं परिवर्तन यात्रा की समाप्ति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं उपस्थित रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।